Assalamualaikum everyone. Today we discuss how to resolve a fraction into partial fraction when it has given a non-repeated linear factor. It is from a first year exercise 5.1, question number 2. In this question, it is given that it have two non-repeated linear factor. अब इसमें यह है कि ये improper fraction है. Improper fraction कैसे है? ये हम definition कर चुके हैं. उसका link description मौजूद है. आप देख भी सकते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स सेम आ जाए, डिग्री सेम आ जाए. अब देखिए इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है. इनके दो लीनियर फैक्टर्स की अगर पावर ऐड करें तो डिग्री 2 बनती है. जब आपके पास दोनों की डिग्री सेम है तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है. एंड हाउ कैन वी सॉल्व द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? लेट्स सी इन द सॉल्यूशन. हमारे पास ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब इसमें हम क्या करेंगे, इन लीनियर फैक्टर्स को पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक बनाएंगे. यू सी एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये क्या बन रहा है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला, डेट इज़ ए स्केयर माइनस बी स्केयर. ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. वो हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे. कैसे? ये आ जाएगा एक्स का स्केयर माइनस वन का स्केयर वन ही होता है और न्यूमिरेटर आपके पास है एक्स प्लस वन. अब आप देख सकते हैं दोनों की डिग्री सेम है. जब दोनों की डिग्री सेम होती है तो वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होती है, या डिनोमिनेटर छोटा हो तब भी. तो ये केस है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का. और इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने के लिए हम करेंगे डिवाइड. जो न्यूमिरेटर है वो डिवीजन के अंदर वाली फैक्टर बनेगा और डिनोमिनेटर डिवाइजर होगा हमारे पास. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. देखें एक्स स्केयर को एक्स स्केयर पर जाने के लिए वन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. तो वन टाइम्स जब एक्स स्केयर को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्केयर आ गया और ये वन प्लस माइनस वन, ये ऐड सेइंग द साइन, ये कैंसिल हो गया. वन और वन क्या हो गया, टू हो गया. अब ये होता है हमारे पास क्वेश्चन, ये होता है हमारे पास रिमाइंडर और ये डिवाइजर या डिनोमिनेटर होता है. तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है? जी, इसको लिखने का ये तरीका होता है कि पहले आप लिखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास है वन, और फिर आप लिखते हैं रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर या डिवाइजर. अब ये एक्स स्केयर माइनस वन को हम अगेन उसके प्रीवियस फैक्टर्स में डाल देते हैं. उसके फैक्टर्स क्या क्या थे जी, वो डाल देते हैं. वो थे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन. और इस पूरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद मैं इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दूँगी. ठीक है जी, ये क्वेश्चन वन आ गई. अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड, अच्छा जो क्वेश्चन वन में ये बनी है टू बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इसको मैं कंसिडर करूँगी और इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूँगी. तो मैं कंसिडर कर रही हूँ इसे टू बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन को ए बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर, b by second linear factor, and we called it equation number 2. अब हम क्या करेंगे जी, next step हमारा होता है कि हमने जो इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है उससे पूरी इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन. मल्टीप्लाइंग equation 2 by x plus 1 into x minus 1 on both sides. Multiply on both sides. What happened here? x plus 1 into x minus 1 2 by x plus 1 into x minus 1 aa gaya. Aur phir dono agle a aur b ke sath bhi multiply ye same factors honge. डिनोमिनेटर कैंसिल, न्यूमिरेटर से ये डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर से कैंसिल, इधर भी ये सारे फैक्टर्स कैंसिल. यहाँ से बच गया टू और इधर बच गया ए इंटू एक्स माइनस वन और इधर बच गया बी इंटू एक्स प्लस वन. इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे. अब हमें वैल्यूज निकालनी है ए और बी की. तो जो इक्वेशन 2 के ये डिनोमिनेटर के फैक्टर्स थे इनको हम बारी बारी इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे और वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे ए और बी की.
ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सब्स्टिट्यूट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड हियर वी गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. सो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन थ्री. When we substitute x is equal to minus 1 in equation 3, what happened here? 2 is equal to a into minus 1 minus 1 plus b into minus 1 plus 1. Ab ye dekhiye plus 1 minus 1 kya ho jayega? 0. Minus 1 minus 1 kya ho jayega? Minus 2a or equal to 2 hai. Ye minus 2 multiply ho raha dusri side pe aake divide hoga. Dono 2 aur 2 cancel ho jayenge. So cancel hue to minus 1 answer aa jayega. To a ki value aa gayi minus 1. Ab next step hum kya karenge? Agli value hai x माइनस वन की. एक्स माइनस वन को इक्वल टू जीरो करेंगे. यहाँ से एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी. पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन थ्री. तो ये आ गया टू इक्वल टू ए इंटू. यहाँ से आपके पास आ गया जी वन माइनस वन प्लस बी इंटू वन प्लस वन. वन माइनस वन ज़ीरो. यह आ जाएगा टू बी और यह आ जाएगा टू. ये टू मल्टीप्लाई आ रहा दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन. ठीक है. अब ए और बी की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं. ए की वैल्यू आई है माइनस वन, बी की वैल्यू आई है वन. तो अब हम इसको किस क्वेश्चन में पुट करेंगे? क्वेश्चन नंबर टू. तो पुटिंग वैल्यूज लिख लेते हैं हम स्टेटमेंट. Putting values of A and B in equation 2. जब हम इस equation 2 में put करेंगे तो हमारे पास ये form आ जाएगी 2 by x plus 1 into x minus 1 equal to minus 1 by x plus 1 और plus 1 by x minus 1. ये हमारे पास फॉर्म आ गई. अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर वन में पुट करनी है. इक्वेशन नंबर वन में टू बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो मैं वन बिकम्स कर देती हूँ. वन बिकम्स ये आपके पास आ गया वन प्लस और ये इसकी वैल्यू क्या है, ये सारी ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. प्लस माइनस माइनस कर रही हूँ मैं यहाँ पे. माइनस वन बाई एक्स प्लस वन और ये प्लस वन बाई एक्स माइनस वन. डैट इज़ ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द होल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर